दोस्तों बजट कैटेगरी में एक और ब्रांड, ओ सॉरी एक और ब्रांड नहीं, एक और चाइनीज ब्रांड ने एंटर किया है जिसका नाम है वन प्लस, और उन्होंने उनके 2020 की टीवी मॉडल लॉन्च की है। तो आज के वीडियो में स्पेसिफिकली मैं बात करूंगा उनके वाई वन सीरीज के बारे में, जहां पर उन्होंने दो मॉडल्स लॉन्च किए 32 और 40। करते हैं वीडियो की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हो हैप्पी गाइड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों यहाँ पे बात करें वन प्लस के वाई वन सीरीज के बारे में, तो इस सीरीज में आपको दो वेरिएंट देखने मिल जाएंगे, एक है 32 इंच का और दूसरा है 43 इंच का। तो 32 इंच वाली टीवी है वो एचडी रेडी टीवी है, और जो 43 इंच वाली टीवी है वो फुल एचडी टीवी है। और प्राइसिंग की बात सबसे पहले कर लेते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है अगर आप टीवी लेने का प्लान कर रहे हो। तो यहाँ पे प्राइसिंग रखी गई है 32 इंच वाली टीवी की 13,000 रुपए, और जो 43 इंच वाला टीवी है उसकी प्राइसिंग रखी गई है 23,000 रुपए। तो प्राइसिंग मतलब ठीक ठाक है, प्राइसिंग से मुझे उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे भर के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है। उस चीज को समझने के पहले सबसे पहले यहां पे एक झलक डालते हैं इसके स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन पर। तो दोस्तों ये टीवी आती है VA पैनल के साथ, और जो बैकलाइट टेक्नोलॉजी है वो डायरेक्ट LED यहाँ पे यूज़ किया गया है। और इसी के साथ बात करें यहाँ पे DCI-P3 का जो परसेंटेज है 93% कलर गैमेट को सपोर्ट करता है ये टीवी। और इसी के साथ बात करें यहाँ पे स्टैंडर्ड रिफ्रेश रेट के बारे में, तो 60Hz का स्टैंडर्ड रिफ्रेश रेट दिया गया है। और यहाँ पे पिक्चर क्वालिटी को इन्हांस करने के लिए वन प्लस यूज़ कर रहा है गामा इंजन, जिसके थ्रू यहाँ पे ब्राइटनेस, शार्पनेस, कॉन्ट्रास्ट रेशियो और डायनेमिक पिक्चर क्वालिटी सब कुछ यहाँ पे इन्हांस होगा इसी टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो ये बहुत अच्छी बात होगी इस टेक्नोलॉजी की, जिसके थ्रू आपको पिक्चर क्वालिटी अच्छी मिलने वाली है। और बात करें यहाँ पे टीवी के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, तो ये टीवी में आपको एंड्रॉइड का ऑपरेटिंग सिस्टम देखने मिल जाएगा, और जो एंड्रॉइड का वर्जन है वो 9 पाई वाला दिया गया है। और बात करें यहाँ पे इंटरनल स्टोरेज और रैम के बारे में, तो इस टीवी में आपको 1 GB का रैम और 8 GB का इंटरनल स्टोरेज देखने मिल जाएगा। और जहाँ तक सवाल है उसके प्रोसेसर के बारे में, तो इस टीवी में 64-bit का क्वाड कोर प्रोसेसर लगाया गया है। और मुझे पता है कि आपको ऑडियो आउटपुट भी जानना होगा, तो यहाँ पे 20W का साउंड आउटपुट दिया गया है। और इसी के साथ ही जो टेक्नोलॉजी है डॉल्बी ऑडियो को सपोर्ट करता है, तो यहाँ पे ऑडियो क्वालिटी ठीक ठाक होने वाली है। और वो ठीक ठाक क्यों होने वाली है मैं आपको आगे बताता हूँ। बात करें यहाँ पे यूजर इंटरफेस के बारे में, तो वन प्लस हमेशा यूज करता है उसका ऑक्सीजन यूजर इंटरफेस। यूजुअली उनके हर एक टीवी में आपको वही इंटरफेस देखने मिलेगा जो उसका एक प्रोप्राइटरी यूजर इंटरफेस है। उसके बाद यहाँ पे बात करें इनके स्मार्ट कैपेबिलिटीज के बारे में, तो इस टीवी में आपको गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट देखने मिल जाएगा, क्रोमकास्ट बिल्ट इन है जिसके थ्रू आप फोन का कंटेंट टीवी में देख सकते हो। इसी के साथ ही अब यहाँ बात करें यहाँ पे कनेक्टिविटी के बारे में, तो इस टीवी में आपको ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट दिया गया है। और इसी के साथ बात करें पोर्ट्स के बारे में, तो 2 HDMI पोर्ट और 2 USB पोर्ट देखने मिल जाएंगे, वाईफाई एनेबल टीवी के साथ की जा रही है। और यहाँ पे एक और चीज मैं आपको कहना चाहूंगा इस टीवी के बारे में, कि जो 32 इंच का टीवी है उसमें जो डिजाइन तो बहुत ही अच्छी है, मेटल की बॉडी देखने मिल जाएगी, लेकिन जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है ये दोनों टीवी में अलग अलग है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं 32 इंच वाली टीवी में, तो 32 इंच वाली जो टीवी है उसमें जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है वो कितना परसेंट है, 91.4% है। और जो दूसरी टीवी है 43 इंच वाली, उस टीवी में आपको 88.5% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने मिल जाएगा। तो ये सारी बातें थी OnePlus TV के Y1 सीरीज के बारे में। और ये टीवी, इसका जो सेल है वो शुरू होने वाला है Amazon 5 जुलाई से। इसकी अगर बाइंग लिंक मिलती है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपका डिसीजन है कि आपको टीवी लेना है कि नहीं लेना है, ये मैं आप पे छोड़ता हूं। इसी के साथ ही इस टीवी से रिलेटेड कोई भी सवाल या कोई भी सुझाव हो तो जरूर लिखना कमेंट सेक्शन में। और एक और बात, इसका एक और सीरीज है U1 सीरीज, अगर उसके बारे में भी आप जानना चाहते हो कि भाई उस टीवी में क्या नेगेटिव पॉइंट्स है, उसमें भी भर के नेगेटिव पॉइंट्स है, और अगर आप चाहते हो उसके बारे में मैं एक वीडियो बनाऊं तो जरूर लिखना कमेंट सेक्शन में। और कमेंट्स अगर ज्यादा है तो ही मैं वीडियो बनाना लगा, क्योंकि देखो भाई इस चीज में बहुत ही रिसर्च और मेहनत लगती है। अगर आपका सपोर्ट रहा, अगर आपने कमेंट सेक्शन में भर डाला, तो हम वीडियो लेके जरूर आएंगे। तो बस इसी के साथ ही वीडियो को आप एंड करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में एक धमाकेदार वीडियो के साथ। सो टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग हैप्पी गाइड, बाय बाय।